नमस्ते किशन भाइयों, आज हम जो प्लांट देखा रही है ये थाई ऑल टाइम काटीमन मैंगो प्लांट है। और ये पेड़ देखिए कितना छोटा पेड़ है और इसमें फ्रूट देखिए कितना अच्छे से पकड़ लिया है। पर ये जो वीडियो हम लोग बनाया अप्रैल महीने का 20 तारीख में, और आज का दिन में कितना अच्छा फ्रूट लगा हुआ है आप देख सकते हैं। पर ये पेड़ का उम्र ज़्यादा नहीं हुआ है, आपका 1 साल का पेड़ है और इसमें फ्रूट देखिए कितना अच्छा से पकड़ लिया है। और ये हम लोग मदर प्लांट के लिए बनाया और इसमें अभी अभी फ्रूट भी चालू है आप देख सकते हैं। ये ऑल टाइम मैंगो का पहली बार हम लोग वीडियो करके आप लोग को दिखाया था, फेब्रुआरी का अंदर में ये वीडियो आप लोग को दिखाया था, तब भी इसका ऊपर अब फॉलोअर भी आया था। और ये अप्रैल महीने का 20 तारीख में ये वीडियो हम लोग बनाया और इसमें फ्रूट देखिए, ये देखिए कितना अंदर अच्छा साइज है इसमें। और इधर भी आप देखिए ये पेड़ का उम्र ज़्यादा नहीं हुआ है, ये अभी अभी 1 महीने का पेड़ है और इसका हाइट भी देखिए 4-5 फीट का हाइट है। और इसमें फ्रूट देखिए कितना अच्छा से पकड़ लिया है आप देख सकते हैं। हम थोड़ा सा दूर से भी दिखाएंगे, ये पेड़ देखिए एक भी पेड़ मिस नहीं हुआ, हर पेड़ में फ्रूट से भी भरा है। और कोई किशन भाई सोच रही है फार्मिंग करने के लिए कौन सा मैंगो का वैरायटी हमको चाहिए, तो मेरा हिसाब से तो काटीमनी मैंगो प्लांट आप फार्मिंग कीजिए, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन आपको मिल जाता है। ये सीजन में तो आपको फ्रूट आपको मिलता है, लेकिन ऑफ सीजन में जो फ्रूट आपको मिल जाता है वो बाज़ार में अच्छा खासा रेट आपको मिल जाता है। और ये ऑल टाइम काटीमनी मैंगो का प्लांट में आपको 1 साल में आपको 3-4 बार फ्रूट आपको मिल जाता है। और ये फ्रूट अभी हार्वेस्टिंग नहीं हुआ है, और हार्वेस्टिंग होने के बाद इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें खाने के लिए। ये कांसा हुआ खाइए आप, थोड़ा सा खट्टा के तरह लगेगा, लेकिन ये हार्वेस्टिंग होने के बाद इसमें मीठा बहुत अच्छा आता है और खाने में बहुत सुस्वादु लगते हैं। और ये पेड़ लगाया हम लोग ये मदर प्लांट के लिए, और इसमें देखिए कितना अच्छा फ्रूट इसमें आया है। इसमें जो डाली है हम लोग काट के डायरेक्ट मदर प्लांट से ग्राफ्टिंग करते ऑल इंडिया सप्लाई करते हैं। और ये भी देख लीजिए ये फ्रूट देखिए, ये बहुत ही अच्छा गुच्छे का तरह, फ्रूट का साइज आप देखिए कितना अच्छा है। और ये फ्रूट देख के आपको बनाना मैंगो का फ्रूट का तरह लगेगा, कितना बढ़िया है और लंबा है देखिए। ये न्यू काटीमन मैंगो प्लांट है और ये थाईलैंड का वैरायटी है, मेरे पास नया आया है। और इसका फ्रूट आप देखिए कितना अच्छा है। और इसका फ्रूट गाइस देखने में जितना सुंदर लगते हैं और खाने के लिए बहुत अच्छा मीठा है, सुस्वादु लगते हैं। और ये हम लोग फार्मिंग किया है कितना अच्छा से आप देख सकते हैं। जो पेड़ आप लोग को दिखाएंगे फ्रूट से भी भरा है, एक भी पेड़ मिस नहीं हुआ, हर पेड़ में फ्रूट से भी भरा है। अब देखिए इसका पाता से भी नीचे थोड़ा सा देखा होंगे, देखिए फ्रूट देखिए। और ये घास का हाइट अब देखिए 4-5 फीट का हाइट है। और इसका फ्रूट देखिए बहुत अच्छा गुच्छे का तरह आता है इसमें। इधर भी आप देखिए इसको हार्वेस्टिंग होने के बाद इसका फ्रूट जो है वो थोड़ा सा रेड कलर होती है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। और इसमें 12 महीने भर इसमें फ्रूट देता है। ये मैं थोड़ा सा दूर से भी देखा होंगे, देख लीजिए। और ये थोड़ा सा नज़दीक से हम लोग देखा होंगे, एक साइड में छोटा फ्रूट है और दूसरे साइड में देखिए बड़ा वाला फ्रूट है, वो हार्वेस्टिंग का लायक होगा ये फ्रूट। और देख लीजिए कितना छोटा पेड़ है और इसका फ्रूट देखिए। और इसमें सबसे बड़ा जो खासियत है इसका जो फ्रूट है वो बहुत अच्छा मीठा होती है। और ये फ्रूट हार्वेस्टिंग होने के बाद आपको पीला कलर हो जाएगा। और ये भी देख लीजिए ये फ्रूट का देखिए,
और दूसरा साइड ये जो है चीकू प्लांट, थाई चीकू प्लांट है, ये हम लोग ग्रेफ्टिंग किया है, अभी 1-1.5 महीने हो गई है चीकू प्लांट का। लैंगचा चीकू बोलते हैं इसमें, चीकू प्लांट का आप ग्राफ्टिंग देखिए, ये हम लोग ग्राफ्टिंग किया है। और इसमें देखिए अभी अभी फॉलोअर भी चालू है इसमें, देखिए अभी 1 फुट का हाइट है इसमें, इसका काटिंग अभी अभी नहीं हुआ है, वो काटिंग करने के बाद उसका वीडियो आपको दे देंगे। और मेरा चैनल नया फ्रेंड्स हो तो सब्सक्राइब करके रखिए मेरा वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। और मैंगो का जो जो प्लांट है अभी अभी मिलेगा, थाई बनाना मैंगो प्लांट, रेड बनाना मैंगो प्लांट, थाई काटीमोनी मैंगो प्लांट, रेड पालमर मैंगो प्लांट, मियाजाकी मैंगो प्लांट, बारी 1 मैंगो प्लांट, बारी 4 मैंगो प्लांट, आम्रबल्ली मैंगो प्लांट। देखिए मैंगो का बहुत सारी वैरायटी अभी अवेलेबल मिलेगा, जो प्लांट जो किशन भाई फार्मिंग करने के लिए जो प्लांट आप मांगोगे वो आपको मिल जाएगा, 5,000-10,000 जो आपको फार्मिंग करने के लिए चाहिए तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, कोलकाता वेस्ट बंगाल ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से इसका पौधा भी हम अवेलेबल मिलेगा। और ये थाई चीकू का प्लांट आप देखिए, हम लोग ने यहाँ ग्राफ्टिंग किया है, 7-8 महीने हुआ है, और देखिए। और ये मैंगो का फ्लावर देखिए कितना अच्छा फ्रूट है इसमें, ये बहुत ही अच्छा गुच्छे की तरह आता है इसमें। और काटीमोनी मैंगो को और भी पेड़ आप लोग को देखाऊंगी, हम थोड़ा सा घूम के आप थोड़ा सा इधर भी आप देखिए, ये फ्रूट आप देखिए कितना बढ़िया है, आप देख सकते हैं, देखने से आपको बनाना मैंगो का तरह लगेगा, लेकिन ये थाई ऑल टाइम काटीमोनी मैंगो प्लांट है, थाईलैंड का वैरायटी, न्यू वैरायटी है। और चीकू का वैरायटी अभी मिलेगा, थाई बॉल, थाई लैंगचा चीकू, जो पेड़ जो प्लांट आप लोग को चाहिए तो कांटेक्ट कर भी सकते हैं मेरा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से, जो पौधा आपको लगेगा वो आपको मिल जाएगा। और मैंगो का फ्रूट आप देखिए, पेड़ का हाइट देखिए, थोड़ा सा हम दूर से भी दिखाएंगे, देखिए कितना छोटा हाइट है और इसमें फ्रूट देखिए। ये ऑफ सीजन में जो फ्रूट आपको मिलता है थाई काटीमोनी ऑल टाइम मैंगो का, इसमें बाज़ार में अच्छा खासा डिमांड आपको मिल जाता है। और किशन भाई आप देख सकते हैं एक एक पेड़ में आपको 4-5 केजी फ्रूट आसानी से हो जाएगा, देख लीजिए एक एक पेड़ में, एक भी पेड़ मिस नहीं हुआ, हर पेड़ में 4-5 केजी आपको आसानी से मिलेगा। और एक फ्रूट आपको 300-400 ग्राम तक आ जाएगा, ये फ्रूट देखिए कितना अच्छा शानदार है, और एक हाइट काफ़ी अच्छा हाइट है इसमें। और मेरा वीडियो देखने से अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए नया फ्रेंड्स हो तो, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बैक टू माय चैनल यूट्यूब।